बिहार में बहार है क्योंकि यहाँ पर सुशासन बाबू की सरकार है। अब ये बातें बिल्कुल ही बेमानी और जबरदस्त जुमला साबित हो चुकी हैं क्योंकि पूरे सूबे में अपराधियों के हौसले सातवें आसमान को छू रहे हैं और पुलिस प्रशासन से लेकर कानून का जरा सा भी भय अब इनके बीच नहीं रहा है। नतीजतन हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाओं से पूरा बिहार इन दिनों सहमा हुआ है, जिसका ताजा उदाहरण बक्सर जिले में देखने को मिल रहा है, जहां बक्सर जिले के सिकरौल थाना क्षेत्र के एक गांव में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए विद्यालय 14 वर्षीय छात्रा के साथ गैंग रेप किए जाने का मामला सामने आया है। 21 से 25 वर्ष के 3 आरोपियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। वर्ष के पहले महीने में दुष्कर्म की यह दूसरी वारदात है। इसके पूर्व पटना जिले की रहने वाली एक भोजपुरी गायिका के साथ भी दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, जिसमें पीड़िता ने बताया था कि बक्सर रेलवे स्टेशन के समीप एक होटल में भोजपुर जिले के फायर ब्रिगेड में तैनात एक पुलिसकर्मी के द्वारा नशीला पेय पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि उस मामले की जांच जारी है। वहीं सिकरौल थाना क्षेत्र में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में मिली जानकारी के मुताबिक 14 वर्षीय छात्रा अपने घर से विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। वहां से लौटने के क्रम में नामजद अभियुक्तों के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया और फिर एक कमरे में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। मामले में महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने किशोरी को मेडिकल जांच कराने के लिए भेज दिया है और त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस दुष्कर्मियों के नाम का खुलासा नहीं कर रही है। एसपी मनीष कुमार का कहना है कि जल्द ही उन्हें भी लोगों के सामने लाया जाएगा। एक रेप का मामला आया है जिसमें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लड़की स्कूल जा रही थी, उसके बाद ये घटना घटी। क्या है सर पूरा मामला? ये मामला महिला थाना में दर्ज हुआ है कल और इसमें सिकरौल थाना के अंतर्गत आता है। इसमें एक नाबालिग लड़की के साथ 3 लड़कों के द्वारा दुष्कर्म करने की बात सामने आई है। इसमें त्वरित अनुसंधान करते हुए तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है और आगे कार्रवाई हो रही है। एक भोजपुरी सिंगर का मामला महिला थाने में दर्ज हुआ है, उसमें सर क्या है और कितना अब तक डेवलप किया है? एक केस दर्ज हुआ है और एक भोजपुरी सिंगर एड हुई है, उनके द्वारा एक व्यक्ति पर कांड दर्ज कराया गया है। ये अभियुक्त जो है ये आरा जिले में फायर ब्रिगेड में काम करता है। इसके काम करने की बात सामने आई है। अभी उसमें क्या अद्यतन स्थिति है सर? अनुसंधान चल रहा है अभी और अनुसंधान के बाद उसमें डिसीजन होगा, उसके बाद कार्रवाई होगी।